my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EXP Gaming YT में। और आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है गायरोस्कोप के ऊपर। बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि गायरोस्कोप को कैसे स्टार्ट करें यार, गायरोस्कोप तो बहुत हार्ड है यार, अगर मैं नहीं सीख पाया तो मेरे गेम प्ले और बेकार कर देगा। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं, गायरोस्कोप बहुत ईजी है। जब स्टार्टिंग में मैं भी ये सोचता था, पर जब मैंने एक बार स्टार्ट किया तो मेरे को मुश्किल से 2 दिन लगे थे गायरो को मास्टर करने के लिए। अब जो लोग नहीं जानते कि गायरो क्या होता है, बेसिकली गायरो एक जैसे हम लोग ये जो हम अपना मूवमेंट करते हैं अपने थंब से, हम यही मूवमेंट बिना फ़ोन को टच किए भी कर सकते हैं अपने फ़ोन को टिल्ट करके। जैसे टेम्पल रन में हम लोग टिल्ट करते हैं ना, वैसे हम लोग फ़ोन को टिल्ट करके मूवमेंट कर सकते हैं। कि जैसे हम लोग ये टिल्ट करते हैं ना, ये मूवमेंट ये अपने थंब से, इसे हम बिना स्क्रीन टच किए भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन को टिल्ट करके करते हैं। ये चीज़ ये होती है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से हम लोग रिकॉइल भी कंट्रोल कर सकते हैं, और थंब से ज़्यादा अच्छा रिकॉइल हम लोग गायरोस्कोप से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता हो कि गायरोस्कोप कहाँ से ऑन करता है, तो मैं बता दूँ, जैसे सेटिंग्स होती है हमारी बेसिक, उसमें हम लोग बेसिक में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं गायरोस्कोप का ऑप्शन। यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, आपका क्लोज पे होगा आप या तो इसे स्कोप ऑन पे रख सकते हैं, तो इसे ऑलवेज ऑन पे रख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्कोप ऑन पे रखें। ऑलवेज ऑन देखिए, मैंने अपने स्क्रीन को बिल्कुल टच नहीं कर रखा, मैं अपने फ़ोन को टिल्ट कर रहा हूँ, जिससे ये जो क्रॉस वेयर प्लेसमेंट है मेरा मूव हो रहा है। और अगर मैं यही चीज़ अपना कंट्रोल्स में मतलब बेसिक सॉरी क्या कहते हैं स्कोप ऑन पे रख दूंगा, तो अब मैं अपने फ़ोन को टिल्ट करूंगा तो ये नहीं हिलेगा, बट अगर मैं स्कोप खोल के टिल्ट करता हूँ तो ये हिलेगा। तो फिर इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे इस पर रखें, हमेशा ऑलवेज ऑन पे रखिए। अगर आप ऑलवेज मतलब कभी कभी भूल जाते हैं कि हम लोग कुछ लोग भूल जाएंगे कि भाई हमारा वो ऑलवेज ऑन पे और वो लोग ऐसे टिल्ट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ऑलवेज ऑन पे रखें। अब बेसिकली गायरो के क्या फ़ायदे हैं, एक नॉर्मल प्लेयर जो गायरो नहीं यूज़ करता, उसके अलावा जो बंदा गायरो यूज़ करता है उसको बहुत एडवांटेज होता है। आप जो ड्रिल्स देखते हैं ना, ये सब गायरो की वजह से हो सकता है। जो हम स्प्रे देते हैं ये वाला स्प्रे, ये सब हम केवल गायरो से ही दे सकते हैं। बहुत मतलब गायरो से बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि गायरो से हम लोग जैसे अपना फ़ोन टिल्ट करके रिकॉइल कंट्रोल करते हैं, और हमें बस एक अपने फिंगर से फायर करना होता है, और एक साइड से हमें बस ये चीज़ इसी तरीके से। और जिन लोगों को मतलब अभी सोच रहे कि गायरो है बिगिनर है स्टार्ट कैसे करें, तो सेंसिविटी मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो सेंसिविटी मेरी सेंसिविटी है आपको स्नाइपिंग में भी मदद कर देगी, और आपका मतलब स्प्रे के लिए भी मदद कर सकती है। मैंने 6x और 8x की सेंसिविटी कम रख रखी है स्नाइपिंग के लिए, क्योंकि मैं 6x से स्नाइपिंग करता हूँ, और अगर मैं स्प्रे भी देता हूँ तो 6x को 3x बना के ही देता हूँ स्प्रे, ठीक है। अब बात करते हैं कि गायरो स्टार्ट कैसे करें, जो बंदे मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं गायरो, तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो टारगेट है स्टिल टारगेट्स होते हैं ना, इन पे प्रैक्टिस करने से पहले इन टारगेट्स पे प्रैक्टिस कीजिए। कैसे, ये चीज़ आपको अपने फ़ोन को स्क्रीन टिल्ट नहीं करनी, आपको ये चीज़ करनी है बिना ऐसे करे, मतलब फ़ोन टिल्ट बिना स्क्रीन को टच किए करनी है आपको ये चीज़, ठीक है। जब आप ये करना सीख जाओ तब आप टारगेट फायरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब जिन बंदों को मतलब प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ कैसे मतलब समझ नहीं आया उनको कि कैसे करना है, तो उनके लिए एक और काम हो सकता है, जैसे ये जो स्टिल टारगेट्स हैं इनके ऊपर फायर कीजिए इस तरीके से, और ये चीज़ आपको बिना आपको थंब टच किए करनी है, मतलब केवल गायरोस्कोप से अपने फ़ोन को टिल्ट करके, ये चीज़। जब आपका ये ठीक हो जाए तो आप मूवमेंट एंड क्या कहते हैं मूवमेंट एंड फायर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे आप इसमें जिगजैग मूवमेंट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिगजैग मूवमेंट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम लोग कहाँ पता है, हाँ ऐसे ही है मतलब आप। और क्योंकि गायरोस्कोप बेसिकली जो AR होते हैं, AR और स्नाइपर, उनको बहुत एडवांटेज मिलता है। गायरोस्कोप आपके रिफ्लेक्सेस को बहुत तेज कर देता है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर मेरे पे अगर गायरोस्कोप मैं अब इसे बंद कर दूंगा गायरोस्कोप को, तो मेरे को ये रिकॉल कंट्रोल करते करते इधर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बट अगर यही चीज़ मेरे पे अगर गायरो है तो मैं ये चीज़ बहुत तेज तेज कर सकता हूँ। ये देखिए ये चीज़।
और बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि मतलब गायरोस्कोप केवल मतलब रिकॉइल के लिए होता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके रिफ्लेक्सेस को बहुत तेज कर देगा। और अगर हम बात करें स्नाइपिंग की, तो स्नाइपिंग में भी ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। और जो आप ये देखते हैं ना, ये ड्रिल्स, ये चीज़ ये गायरों को मतलब इतना इजी बना देती है ये ड्रिल्स गायरों की वजह से। मैं क्या बताऊँ आपको, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप डेली का 1 घंटा सेक्शन में, ट्रेनिंग सेशन में 1 घंटा दीजिए, और फिर देखिए 2-3 दिन बाद। मैंने खुद मतलब मेरे को मुश्किल से 2 दिन लगे थे गायरो मास्टर करने में, 2 दिन लगे थे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा गायरो मास्टर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं दिखाता हूँ आपको मतलब रिकॉइल कंट्रोल। अब मैं अगर अपना गायरोस्कोप ऑफ कर देता हूँ, जैसे आप क्लोज कर दिया मैंने गायरोस्कोप, और अब हम स्प्रे दे के देखते हैं, रेडी। और ये हम स्प्रे देंगे, तो आप देखा स्प्रे, हम बैठ के एक बार पीक दे के भी दे देते हैं स्प्रे, रेडी। तो ये हमारा बैठ के, और एक बार लेट के भी, और मैंने 1 मिनट और लेट के भी स्प्रे दे के देख लेते हैं, और लेट नहीं रहा वैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ठीक है। अरे लेट जा भाई साहब, क्या हो रहा है ये, ओ शिट मैन, ये हमारा लेट के स्प्रे है। और अब मैं आपको गायरो ऑन करके दिखा देता हूँ, कि मैं तो हमेशा ऑलवेज ऑन पे रखता हूँ गायरो। और थोड़ी एमो ले लेते पहले, और अब मेरे गायरस को पढ़ना है मतलब, मैं अब मैं रिकॉइल कंट्रोल के लिए ये यूज़ नहीं करूँगा, ये मेरा स्प्रे खड़ा होके, ये पीक लेके, और अभी मैं आपको लेट के भी दिखा देता हूँ स्प्रे, तो देख रहे हो आप ऐसे स्प्रे जा रहा है। और ये कितना दूर है, कितना स्पेस होगा हमारा, ये कितने मीटर दूर, कितने मीटर दूर होगा ये 150 मीटर दूर है हमारा, 150 मीटर दूर इतना लेज़र स्प्रे जा रहा है। और अगर हम लोग मतलब ये चीज़ करते हैं, आप जैसे मान लीजिए आपकी ये स्टिल एंड मूवमेंट प्रैक्टिस भी हो गई, ये चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं, टारगेट स्विचिंग प्रैक्टिस कीजिए, ये चीज़ कर लिए आप ऐसे, ये चीज़ जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको अपने आप गायरोस्कोप की आदत लगेगी। बट एक प्रॉब्लम होती है मतलब जिन लोगों को, मतलब बहुत लोगों को आदत होती है लेट के खेलने की, तो ये चीज़ आप गायरोस्कोप में नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉपर बैठना पड़ेगा जिससे आपके हैंड की पोजिशन अच्छे से हो सके और अपने फ़ोन को टिल्ट कर सकें। मेरे को भी पहले लेट के ही आदत थी, बट अगर मेरे को अपना गेम प्ले सुधारना था तो मेरे को ये गायरोस्कोप सीखना था, मैं क्योंकि मैं एयरिंग, मैक्सिमम एयरिंग ही करता हूँ, मैक्सिमम लोग एयरिंग ही करता हूँ मैं, मतलब मैं बहुत कम स्नाइपर चलाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं स्नाइपर आती ही नहीं मेरे को, मतलब स्नाइपिंग कर लेता हूँ, डिसेंट स्नाइपिंग है मेरी, बट मैं मैक्सिमम एयरिंग करता हूँ, इसलिए मैंने गायरोस्कोप सीखा है। और ये चीज़, ये जो ड्रिल्स होती है ना, क्या सेक्सी लगती है भाई गायरोस्कोप की वजह से, ये स्प्रे मतलब इतना खतरनाक चाहते हैं ना यार, आपका रिएक्शन टाइम भी बहुत इंक्रीज होगा इससे, आप एक बार ट्राई करके देखिए। मैं आपको एक बार फिर से सेंसिटिविटी दिखा सकता हूँ, अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं पता गायरों की क्या रखनी है, तो आप ये सेंसिटिविटी रख सकते हैं गायरों की, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका गेम प्ले बहुत सुधरेगा। और जिन बंदों को एडीएस सेंसिटिविटी देखनी है, ये है मेरी एडीएस सेंसिटिविटी, कैमरा सेंसिटिविटी, और ये मतलब थर्ड पर्सन, ये कस्टमाइज भी रखते हैं। तो ये थी कुछ सेंसिटिविटीज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।